जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का राजर्षि क्लासेस पर। मैं प्रिया आज आपके साथ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो डिस्कस करने वाली हूँ जो कि है रिलेटेड टू पीजी एडमिशन। अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में एडमिशन लेना चाहते हैं पीजी में, तो जैसा कि पहले ही मैंने बताया था कि 26 जुलाई को जो है आपकी बैठक होने वाली है, उस बैठक में क्या डिसीजन आया है, इस डिसीजन का अभी हम लोग पूरा एनालिसिस करेंगे इस वीडियो में और समझेंगे कि क्या क्या चीज़ें हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है और हमारा एडमिशन कब होगा। इसके साथ ही फॉर्म कैसे फिल कर सकते हैं, एबीसी आईडी अगर बनाई है तो कब तक मतलब आपके पास टाइम है, अंडरटेकिंग कैसे ले सकते हैं और आज किसका एडमिशन या कट ऑफ कैसे प्रोसीजर है, ये सारी चीज़ों को हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं आपको इसमें जो पोर्टल, जैसा मैंने आपको बताया था कि कुछ लर्नर्स ने मुझसे पूछा भी था कि मैम पोर्टल मुझे कैसे पता लगेगा, तो मैंने उनको जो है बताया भी था कि पोर्टल आपको नहीं बल्कि यूनिवर्सिटी देगी। तो आज जो भी आपका डिसीजन आया है कि काउंसलिंग ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन और कौन सा पोर्टल यहाँ पर उन लोगों ने बनाया है ताकि आपके पीजी के एडमिशन उसमें जो है लिए जाएंगे, उन सभी चीज़ों को मैं आपको बाकायदा यहाँ पर करके दिखाने वाली हूँ। मैं उस वेबसाइट को आपको ओपन करके दिखाऊँगी और साथ ही बताऊँगी कि आप कैसे स्टेप बाय स्टेप कहाँ पर क्या फिल करना है, वो सारी चीज़ों को इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो अगर अभी तक आपने चैनल से जुड़े नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की बिल्कुल ऑथेंटिक अपडेट आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलने वाली है। इसके साथ ही वीडियो अगर हेल्प करे आपकी, वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दें। तो देखिए यहाँ पर दो चीज़ें हैं जो इन्होंने पोर्टल बनाया है। आज जो बैठक थी उसका निर्णय आया है कि यहाँ पर इन्होंने एक पोर्टल दिया है, इसके साथ काउंसलिंग को कहा है कि जो आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया होगी वो पूरी तरीके से कैसी होगी, ऑनलाइन होगी। क्या होगी? ऑनलाइन होगी। ऑनलाइन होने के साथ साथ इन्होंने एक वेबसाइट दिया है जो है www.ecounseling.ac.in। घबराइए नहीं, अभी मैं वो आपको टाइप करके गूगल से दिखाऊंगी भी और ये भी दिखाऊंगी कहाँ पे वो वेबसाइट आ रही है। तो देखिए दो तरीका है, एक तो आप डायरेक्टली उस वेबसाइट के थ्रू जाइए या फिर आप जैसे हम लोग, तो दो ऑप्शन है आपके पास। अगर इन केस आपको काउंसलिंग का पोर्टल नहीं याद है या फिर आपको नहीं याद हो रहा है तो आप ये मेन कैंपस, आपको पता है मेन कैंपस से मैं आपको हमेशा वीडियो बनाकर दिखाती हूँ, कुछ भी नहीं याद है तो आप सिंपल गूगल पे जाके टाइप कर दीजिए या फिर बोल दीजिए यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, उसके बाद जो पहला ऑप्शन आपको दिख रहा है आप उसमें जाकर कर सकते हैं। चलिए मैं ये भी आपको दिखा देती हूँ। देखिए यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद मैंने यहाँ पर टाइप किया था, अब इसके बाद ये जो आपकी पहली यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद दिख रहा है इसके ऊपर हम करेंगे क्लिक। अब एक तरीका यह है कि हम यहां से भी अपने काउंसलिंग पोर्टल पर जा सकते हैं। कैसे जा सकते हैं? तो ये देखिए यहां पर ये न्यू ऑप्शन आपको दिख रहा है पीजी एडमिशन 2023, इसके ऊपर हम सिंपली करेंगे क्लिक और इसके ऊपर क्लिक करते ही हमारा जो काउंसलिंग पोर्टल पीजी के लिए बनाया गया है आप उस पर पहुंच जाएंगे। इस पर आपको रोज़ की तमाम जानकारियां भी प्राप्त हो सकती हैं, वो अपडेट हम आप तक पहुंचाते ही रहेंगे कि क्या कट ऑफ डेली का कैसे कितना गया है। लेकिन फॉर्म आपको खुद से भरना है तो आपके पास भी अवेयरनेस होनी चाहिए। तो पीजी एडमिशन 2023 का ये जो इंटरफेस आपको अपने सामने दिख रहा है, अब यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही है जैसे लिंक फॉर ऑनलाइन काउंसलिंग। मैं आपको एक एक लिंक को यहाँ पर ओपन करके दिखाऊंगी। देखिए यहाँ पे ये जो ऑनलाइन काउंसलिंग है जब हम इसको क्लिक करेंगे तो इसके अंतर्गत हमको दिखाएगा जो अलग अलग फेजेज हैं, जैसे कि मैं आपको चलिए क्लिक करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए जब मैंने इसको क्लिक किया है तो अब ये हमें वो जो पोर्टल जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जिसका आपका जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि उसका क्या है, www.ecounseling.ac.in, ये जो पोर्टल है अब हमें डायरेक्टली इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से जब हमने उस पर क्लिक किया तो अब हमें ये पोर्टल डायरेक्टली वहाँ पर हमें लेकर के आ गया है। अब यहाँ से इसमें हमें किस में जाना है तो वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। अभी मैंने आपको दिखाया कि यहाँ पे देखिए ये जो पीजी काउंसलिंग है आप इसमें जाएंगे तो इसके बाद फर्दर इन्फॉर्मेशन आगे मैं बताऊंगी। तो ये वो पहला लिंक था जिस पर हमने क्लिक किया, ये आया। अब दूसरे लिंक में क्या कहता है वो हम देखते हैं। तो अब देखिए अब है हमारा दूसरा लिंक जो है प्रेस रिलीज़ फॉर पीजी एडमिशन इंग्लिश क्लिक टू व्यू। जो प्रेस रिलीज़ निकला है उसको मैं आपको दिखाती हूँ कि ये आपका डेली जो है अपडेट होगा, ठीक है। जैसे ऑनलाइन काउंसलिंग है तो हर दिन हर सब्जेक्ट का अलग अलग कट ऑफ आएगा, अभी आपको ये भी मैं बताऊँगी कि आज किस सब्जेक्ट का आया है।
तो ये देखिए जो प्रेस रिलीज थी ये आज की हुई मीटिंग के बारे में आपको वो सारी जानकारियाँ देती हैं जो आज की मीटिंग में ये हुआ है। ठीक, आप यहाँ डेट देख सकते हैं, ये आपकी 26 तारीख की जो डेट है। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो मीटिंग है, जो जयंत कुमार हैं जो इसके हेड हैं, उनके द्वारा ये बताया जा रहा है सारी चीज़ें कि जो आपका साइंस लॉ और कॉमर्स का था इसका 11 बजे मीटिंग हुआ था, और जो आपका आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज़ फैकल्टी का था ये 2 बजे प्रवेश भवन के अंतर्गत अंदर जो है ये हुआ था। अब यहाँ पे पीजी कोर्सेज के अंतर्गत जितने भी बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए तमाम बातों को यहाँ कहा गया है जो अभी मैं आपको बताऊँगी। अब इसमें आपके लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो आपकी ABC ID है, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, ये आपको बनाना अनिवार्य है। अगर अभी तक आपने नहीं बनाया है तो सबसे पहले उसको बना लें। बनाने के लिए कुछ भी नहीं करना है, बहुत इजी है। मोबाइल पे डिजी लॉकर एप्लीकेशन जो होता है, गवर्नमेंट का एप्लीकेशन है, सिंपल आप उसको क्या कर लीजिए, बस डाउनलोड करिए प्ले स्टोर से डिजी लॉकर को, उसमें जाएंगे पहले साइन इन कर लीजिए। साइन इन करने के बाद जो सर्च का ऑप्शन होता है नीचे आपको दिखाएगा, इस सर्च पर क्लिक करके सिंपल आपको वहाँ पर जाना है और ABC आप लिखेंगे तब तक वो लिख कर आ जाएगा, ABC ID दिल्ली से, वहाँ पर आपको कर देना है इस पर क्लिक। और इस पर क्लिक करते ही फिर ये आपका जो है आपसे कुछ बेसिक आपकी जानकारियाँ मांगेगा, और पहले से आपने साइन इन चुकी किया है तो आपका नाम और DOB पहले से उसमें दिखाएगा। तो आपको सिंपल कर लेना, अगर डॉक्यूमेंट आप इसमें नहीं भी फिल कर पा रहे तो कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ आपको उसका PDF लगा देना है बस, और कुछ भी नहीं। तो ABC ID ज़रूर रखें। इसके अलावा देखिए अब हम आगे अपने काम की बात करते हैं। ये तो प्रेस रिलीज थी, इसको भी मैं आपको बता दूंगी, इसको पढ़ने से कोई मतलब नहीं, टाइम वेस्ट है ये आपका। अब आगे देखते हैं। अब देखिए अब यहाँ पे वही चीज़ जो भी मैंने प्रेस रिलीज़ किया है ये उसका हिंदी है। ठीक है, तो अब मैं आपको जो है मेन जो आपकी काउंसलिंग की वेबसाइट है, ये तो हम लोग इलाहाबाद यूनिवर्सिटी मेन कैंपस की वेबसाइट से आए हैं। इन केस कि अगर आप जो मेन काउंसलिंग है वहाँ पर जाना चाहते हैं तब आप कैसे जाएंगे, उसके बाद फर्दर जो हमारी जानकारी है उस पर हम आएंगे। देखिए यहाँ पर अब हमें लिखना है क्या, जो मैंने आपको बताया है जो पोर्टल है, पोर्टल क्या है, www.ecounseling। ठीक है, www.ecounseling.ac.in, क्लियर है। तो ये हमने कर दिया, अब हम इस पर सर्च करेंगे। अब देखिए इस पर सर्च करने के बाद जी हाँ, तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं जैसा कि है, असल में मैंने पहले भी बैकग्राउंड में खोला हुआ था एक बार चेक करने के लिए, तो इस वजह से वो साइट जो है ऐसा दिखा रहा था। ठीक है, बट आपको यहाँ पर जब आप इसको फिल करेंगे तो आप भी एक बात का ध्यान देंगे, वो ये कि मैंने पहले जैसे कि देखिए यहाँ पर जब मैं इसको टाइप की हूँ तो अगर मैं www.ecounseling.ac अगर AC मैंने सटा करके मतलब एकदम बिना गैप के लिखा था तो शायद ये नहीं आ रहा था, और जब मैंने इसको गैपिंग नहीं दी थी, जैसे एक मैंने ब्लॉक यहाँ पर स्पेस देके छोड़ा, जैसे मैंने डॉट लगाया इसके बाद मैंने जो है गैपिंग की, उसके बाद ac.in ये लिखा है, तो इसके बाद जो है वेबसाइट एकदम सही से आ रही है। अब जब आप इस पर जो है लगाएंगे, मतलब आप इसको राइट करेंगे गूगल पे www.ecounseling.ac.in, तो यहाँ पर पहला जो आपको दिख रहा है ई काउंसलिंग, ये इंडिया का है, तो इस पर आपको नहीं जाना है, आपको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जाना है। तो यहाँ पर देखिए ई काउंसलिंग ये है आपका .in इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, तो हम इस पर ही क्लिक करेंगे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पे। तो देखिए मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, इसके बाद देखिए कुछ ऐसा इंटरफेस है, ये इंटरफेस अभी जब हम लोग मेन कैंपस यूनिवर्सिटी को खोले थे उस पर भी आया था। अब आपको यहाँ क्या क्या चीज़ें याद करनी है, क्या क्या चीज़ें आपको समझनी है जो बहुत ज़रूरी है उसको देखिए, और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, नहीं तो फिर आप चार जगह चार वीडियो देखेंगे और आपको समझ में कुछ आएगा नहीं। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे जब आप नीचे की तरफ जाएंगे तो दिस इज़ फॉर UG काउंसलिंग, जो बच्चे UG के लिए हैं ये उनके लिए है। अब आते हैं PG, ये जो PG काउंसलिंग दिख रहा है आपको यहीं पे क्लिक करना है और यहीं से आपका सारा काम होगा। LLB, LLM, MCOM, MA, MA, MSc, MEd, MBA, MWOC इन मीडिया स्टडीज़, MCA, मतलब ये सारा जो आपका है। अब इस पर हम क्लिक करेंगे, देखिए हमने PG काउंसलिंग पर क्लिक किया, उसके बाद हमारे सामने कुछ ऐसा व्यू आ रहा है, ई काउंसलिंग गाइडलाइंस फॉर PG स्टूडेंट। इस गाइडलाइन को आप ज़रूर पढ़िएगा एक बार। अब ये गाइडलाइन मैं आपको एक बार ओपन करके दिखा देती हूँ, ये गाइडलाइन आपको पढ़ना भी चाहिए कि क्या क्या है गाइडलाइंस। अभी जो है यहाँ पर नहीं पकड़ रहा है, सर्वर एरर दिखा रहा है, बट कोई बात नहीं, आप इसको पढ़ लीजिएगा बाद में जो है करके। PG काउंसलिंग पर हम जाते हैं यहाँ पर। अब यहाँ 3-4 स्टेप में आपको आपका रजिस्ट्रेशन करना है, बहुत ध्यान से सुनिएगा आप ये चीज़। ठीक है,
सबसे पहला है स्टेप वन रजिस्टर योरसेल्फ, स्टेप टू लॉग इन एंड डॉक्यूमेंट अपलोड, और स्टेप थ्री पेमेंट फी पेमेंट। अब पहला प्रश्न जो यहाँ पर आता है कि मैम हम लोग कब से कर सकते हैं, क्या आज ही आपने बताया और आज ही हम कर लेंगे? तो जवाब है जी नहीं, आज आपको नहीं करना है। मतलब ये है कि मान लेते हैं आज जिन जिन आपके कोर्सेज का आया है, दो कोर्सेज का आज आया है, तो उन दोनों कोर्सेज का हम एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं कि कट ऑफ आया है इनका 150 नंबर, इनका आया है 180 नंबर, यूनिवर्सिटी ने इस कट ऑफ को सेट कर दिया। अब जिन जिन बच्चों का 150 से ऊपर है, 180 या 180 से ऊपर है, मान लीजिए कि इसमें किसी बच्चे का है, कोई लर्नर है जिनका 158 मार्क्स है, इसमें कोई है जिनका 192 मार्क्स है, तो जैसे ही जैसे आज 26 तारीख है, आज के दिन आया, तो जब आपके सब्जेक्ट का जिस दिन कट ऑफ आएगा उस दिन हम आपको अपडेट कर देंगे। इसीलिए जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, तो आप फ़ायदे में रहेंगे जिन लोगों को भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में प्रवेश लेना है। तो 150 है तो 158 आपका कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स है, तो आपको उस दिन क्या करना है, अब जो मैं प्रक्रिया बता रही हूँ आपको उसी दिन करना है। प्रक्रिया को पहले से समझे रहेंगे तो कुछ चीज़ें पूर्व निर्धारित होती हैं जो कई बार आपको अलग से वीडियो के माध्यम से तो नहीं मिलती हैं, लेकिन समझे रहेंगे तो आपके लिए कहानी काफ़ी आसान रहेगी। 158 है तो अब इसके बाद आप ये काम करेंगे, मतलब आप सारे फॉर्म को रजिस्टर करेंगे, फिल करेंगे, कैसे करना है अब वो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है? तो अभी तुरंत नहीं करना है आपको, जब आपके सब्जेक्ट का कट ऑफ आएगा तभी। रजिस्टर योरसेल्फ, इस पर हम करते हैं क्लिक। अब यहाँ पे आपको दे रहा है रोल नंबर, सेलेक्ट सब्जेक्ट और सेलेक्ट डिपार्टमेंट। तो रोल नंबर में आपको आपका जो रोल नंबर है, PGAT जब आपने फॉर्म भरा था तो वहाँ रोल नंबर आपको मिला होगा, वो जो रोल नंबर है वो आप भरेंगे, ठीक है? जो आपका रोल नंबर है उसको भरेंगे। यहाँ पे जो रोल नंबर है वो आपका यूज़र ID यूज़ होगा, ठीक। इसके अलावा सब्जेक्ट आपका जो है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे और डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये आपका किसके लिए था, तो ये आपका था पहले वाले स्टेप के लिए कि हमको जो है रजिस्टर करना है। तो इतना करने के बाद आपका रजिस्टर हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। तो रजिस्टर आपने देख लिया, अब नेक्स्ट है लॉगिन एंड डॉक्यूमेंट अपलोड। अब हम लॉगिन एंड डॉक्यूमेंट अपलोड सेकंड पे आते हैं। अब यहाँ पे देखिए जो रोल नंबर है और जो पासवर्ड है वो क्या होगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये जो रोल नंबर है ये आपका यूज़र आईडी होगा, क्या होगा, यूज़र आईडी। किसकी यूज़र आईडी, देखिए यहाँ पहले वाले में जो मैंने बताया है स्टेप वाले में, तो वहाँ तो आपकी यूज़र आईडी क्रिएट नहीं हुई होगी, तो वहाँ जो आपका रोल नंबर दिया है ना, आपने जो पेपर आपका जो स्कोर कार्ड है उस पर भी दिया होगा आपका रोल नंबर, वो रोल नंबर आप लॉगिन में डालेंगे, और जब लॉगिन आप कर लेंगे तो वहाँ आपकी यूज़र आईडी आ गई पासवर्ड, तो यूज़र आईडी वही आपको यूज़ करनी है, और पासवर्ड रहेगा आपका डेट ऑफ बर्थ। यहाँ पे आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है उसको आप यूज़ करेंगे, 13/4/2012 जो भी आपका है उसको आप यहाँ पर यूज़ करेंगे, ठीक है? और रोल नंबर में क्या डालेंगे, यूज़र आईडी। ये गलती मत करिएगा, और गलती से अगर भूल जाएंगे ना तो एक बार थोड़ा इसको नीचे करिएगा, और यहाँ से आपको लॉगिन के इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। पासवर्ड इज़ योर डेट ऑफ बर्थ, जैसे जो इसमें आप लिखते हैं वो, क्लियर दिया है, और जो यूज़र आईडी होगा वो आपका दूसरा हो जाएगा, क्लियर है? तो यहाँ से आप लॉगिन कर देंगे तो ये आपकी प्रक्रिया यहाँ पर समाप्त हो जाएगी। अब आपका दो प्रक्रिया हो गया, अब दोनों करने के बाद खुशी के मारे फीस पेमेंट मत कर दीजिएगा। यहाँ पे आपको थोड़ा धैर्य बनाना है और थोड़ा रुकना है। अब यहाँ पे आपको मैं एक बात बताती हूँ, ये है कि आपकी कट ऑफ प्रतिदिन आएगी, ठीक है? डॉक्यूमेंट जब आप अपलोड करेंगे तो डॉक्यूमेंट में 10th 12th ग्रेजुएशन की मार्कशीट कंपलसरी है, जिसके पास नहीं है अंडरटेकिंग कहाँ से लेंगे वो भी अभी मैं बताऊंगी। यहाँ पे हर एक डिपार्टमेंट द्वारा आज जो बैठक हुई थी, जैसे जो प्रेस रिलीज है उसमें आप पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा, मैंने उसको पूरा पढ़ा है, कोऑर्डिनेटर बनाए गए हैं हर एक विषय के। ये कोऑर्डिनेटर क्या करेंगे कि जैसे आपने पहला और दूसरा स्टेप कर लिया, सब कुछ सही सही किया है, आपके नंबर उतने हैं, सब चीज़ जब आप कर देंगे तो आपके जो कोऑर्डिनेटर है वो यहाँ से पास कर देंगे कि हाँ भाई इनका फॉर्म एकदम सही है, ये एकदम सही है, मतलब इनका कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर फिर उसके बाद आपको फ़ीस सबमिट करनी होगी। मिनिमम आपको 3 दिन यहाँ पर तीसरे स्टेप पे है, और 3 दिन आपको मिनिमम दिए जाते हैं फ़ीस सबमिट के लिए। जैसे आज आपने फॉर्म भर दिया तो आपका फॉर्म मान लीजिए कि 24 घंटे या जब भी वो फॉर्म आप चेक करते रहेगा वो पास हो जाएगा कोऑर्डिनेटर से, तो आप उसके बाद फ़ीस पेमेंट कभी भी कर सकते हैं। और फीस पेमेंट करने के बाद आपकी जो सीट है वो क्या हो जाएगी, कंफर्म हो जाएगी। उसके बाद जो आपका डाउनलोड आपका ऑप्शन सर्टिफिकेट का है, सर्टिफिकेट या फिर जो आपका एडमिशन लेटर है वो आप कर सकते हैं, ठीक, जो आपका सूचना पत्र के माध्यम से आप उसको ले सकते हैं, और वो लेकर के आपका प्रवेश, वो सीट आपकी निश्चित हो जाती है। अब बात करते हैं कि हम
अंडरटेकिंग फॉर्म कहाँ से सबमिट करेंगे, मतलब कहाँ से अपलोड डाउनलोड करेंगे। तो आसान है, जहाँ से आप ये देख रहे हैं बस इसी को नीचे आपको स्क्रॉल करते जाना है। डाउनलोड अंडरटेकिंग फॉर्म, बस आपको करना है इस पर क्लिक। अभी देखिए सर्वर एरर थोड़ा दिखा रहा है, बट ये हमेशा नहीं दिखाएगा, इस बात को आप समझें, ठीक है। अभी चूंकि ये नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, बट यहाँ पे ये चीज़ें हैं। तो आप जब डाउनलोड अंडरटेकिंग फॉर्म पे करेंगे तो यहाँ आपको माइग्रेशन हो गया, आपका TC हो गया, ये सारे चीज़ों के लिए आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरी बात कि जब आपका जैसे जिस विषय का रोज़ रोज़ कट ऑफ आएगा, जैसे अगर हम आज की बात करते हैं कि आज किसका आया है, तो वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। जैसे कि देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, तो ये देखिए नोटिस वाले सेक्शन में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर, एक मिनट, ये आपका करंट कट ऑफ दिखा रहा है कि MA हिस्ट्री का और जो है MA MSc स्टैटिस्टिक्स का। अब ये आप देख सकते हैं, देखिए आपका यहाँ पे अगर ये आपको दिख रहा है तो ये अभी जस्ट रिसेंट पड़ा है, क्योंकि मैंने अभी जब चेक किया था तो मुझे ये चीज़ नहीं दिखी थी। आज का जो था वो अभी मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ देखिए स्टार्ट डेट दिया है इसका, 26 तारीख आज से शुरू है और ये 27 तारीख कल से शुरू होने वाला है। तो देखिए यहाँ पर और इसका जो है डॉक्यूमेंट अपलोडिंग, इन सारे का डेट भी लास्ट दिया। आप सब्जेक्ट पहले देख लीजिए, पहला है एंशियंट हिस्ट्री MA और दूसरा है MA या MSc स्टैटिस्टिक्स के लिए। अनरिजर्व्ड कैटेगरी का कट ऑफ है 160 नंबर और अनरिजर्व्ड जो है कैटेगरी अगर MA MSc स्टैटिस्टिक्स है तो 134 नंबर। अगर हम MA एंशियंट हिस्ट्री की पहले बात करते हैं तो जितने भी ST कैंडिडेट्स हैं उन सबका हो जाएगा, और जो अनरिजर्व्ड है उनका 160 मार्क्स यहाँ पर गया है आपका, ठीक, ये 2023 का। और अगर MA MSc आप इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर अनरिजर्व्ड का 134 है, OBC का 118 है, SC का कट ऑफ 66 है, ST का 70 और EWS का above 130 और उसके ऊपर, मतलब 130 जिसका है या उसके ऊपर। अब स्टार्ट डेट देखिए, ये जो आपका MA हिस्ट्री है उसको वो कल से स्टार्ट होगा 27 तारीख से, आज 26 तारीख है, 26 तारीख से आपका आज जो है इसको बता रहा है। कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन और डॉक्यूमेंट अपलोडिंग 30 तारीख तक आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट को मतलब रजिस्ट्रेशन का आपको चांस दिया गया। तो 27, 28, 29, 30, 3 दिन मैंने आपको बताया मिनिमम फीस सबमिशन के लिए भी मिलता है। तो 30 तारीख तक आपको यहाँ पर ये सारी प्रक्रिया को पूरी कर देना है और विथ इंक्लूडिंग फीस। मैंने कहा ना 3 दिन का आपको, देखिए 30 तारीख तक ही आपको ये सारी चीज़ें कर देनी है। पहले करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, और आखिरी में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, लेट मत करिएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर ना कुछ टाइम दिया हुआ है, 2 बजे दोपहर के बाद ये नहीं होगा और शाम को 5 बजे के बाद ये नहीं होगा, ठीक। तो ये आपको बता रहा है कि भाई आपका ये 2 सब्जेक्ट है, तो जिसका भी MA से एंशियंट हिस्ट्री, MA स्टैटिस्टिक्स, तो यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा आज जिसका था वो MTech का एडमिशन आज से जो स्टार्ट हुआ था वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये आपका जो है ई काउंसलिंग का पोर्टल, ये अभी तो आपका ओपन ही नहीं हो रहा है, तो यहीं पे मैं आपको बता देती हूँ कि भाई इसमें जो है आज जो MTech के बच्चे थे उनका था, जो ECE कोर्स है इसके अलावा जो CSE कोर्स है इसका था, जो आपका ECE कोर्स है, ECE आपका मतलब इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, और CSE जो है इसका था। अगर आपको यहाँ से ये नहीं मिल पा रहा है तो हम लोग इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के मेन वहाँ से इसको चेक कर सकते हैं। देखिए अगर यहाँ से आपका न चले तो आपको मैंने दोनों इसलिए बता दिया है, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। तो एक पोर्टल काम नहीं कर रहा तो यहाँ से क्रॉस चेक करके आप कर सकते हैं, ठीक। एक मिनट, जी हाँ, तो यहाँ पे देखिए PG एडमिशन 2023 पर मैंने क्लिक कर दिया है। ये पूरी प्रक्रिया आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो हमने, ये है आपका 26 जुलाई, देखिए मैंने आपको बताया ना, यहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। और हालांकि यहाँ चैनल के साथ जुड़े रहेंगे तो हम आपको रेगुलर अपडेट देते रहेंगे। आज जो था वो डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का था, MTech ECE और CSE का एडमिशन। ECE क्या है आपका, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है, और CSE क्या है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है। आज इसका था, जो आपका साइंस डिपार्टमेंट फैकल्टी है, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन साइंस फैकल्टी, वहाँ पर आप फॉर्म लेकर के जा करके सबमिट भी कर सकते हैं। तो अब बात आती है, अगर कोई पास में है, जो है कॉलेज में रहता है, मतलब कॉलेज के आसपास, तो ऑफलाइन भी फॉर्म जाकर डिपार्टमेंट से ले सकता है, ठीक। ऑनलाइन भी फॉर्म, जैसे मैंने आपको बताया, वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं।
तो ये देखिए, इसके साथ जो अभी मैंने आपको वहाँ पर दिखाया 26 जुलाई 2023 एमए एंशिएंट हिस्ट्री का भी आ चुका है, और कल का भी आ चुका है आपका 27 जुलाई का, जो आपका एमए या एमएससी स्टैटिस्टिक्स के लिए उन्होंने बताया है। तो वो भी आपने जो है फ्री में, मतलब फ्री में क्या मतलब, जल्दी आपने देख लिया। तो ये आपका जो है इस तरीके से आपको करना है। तो मिला जुला करके अगर हम लास्ट में समअप करें तो काउंसलिंग की वेबसाइट इंपॉर्टेंट है, पोर्टल इंपॉर्टेंट है, नहीं याद है तो मेन कैंपस देखिए, जैसे मैंने कि यहाँ मेन यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट से आकर के सिंपल तरीके से आप इसको ले सकते हैं। यूज़र आईडी में रोल नंबर डालिएगा और पासवर्ड आपका डेट ऑफ बर्थ होगा। रोजमर्रा के जितने भी सब्जेक्ट की कट ऑफ है वो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। फीस सबमिट फॉर्म को करने से पहले, मतलब फीस सबमिट करने से पहले देख लीजिएगा कोऑर्डिनेटर द्वारा आपका फॉर्म चेकअप है या नहीं है। इसके अलावा कोई भी और समस्या है आपको तो आप उसको कमेंट करके बता दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।